कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी थे। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। शोले बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी में से एक है। इस मूवी के हर एक कैरेक्टर के डायलॉग्स आज भी लोगों को मुंह जुबानी याद है। 1975 में बनी इस मूवी को दो बार रिलीज किया गया था। जब इस मूवी को पहली बार रिलीज किया गया था तो ये इतनी चली नहीं थी। कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा रिलीज की गई और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसके बाद ये मूवी 5 साल तक थिएटर में चली थी। इस आइकॉनिक मूवी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मूवी की शूटिंग कहाँ हुई थी? आज हम वहीं जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विजय एंड यू आर वाचिंग विजय छेत्री ब्लॉग। सो आज मकर संक्रांति है, साउथ में पोंगल मनाया जाता है और इसी दिन नॉर्थ ईस्ट में अभी माघ बिहू चल रहा है। आज एक्चुअली सूर्य भगवान की ही पूजा की जाती है। हम लोग आज जा रहे हैं रामनगर ट्रैक। हम लोग के घर से कम 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। छुट्टी भी है कॉलेज की, जो कि मैं अभी बैंगलोर में थोड़े ही महीनों के लिए हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत जितने भी बचे कुछ जगह है आसपास के वो एक्सप्लोर कर लूँ। तो इसी संदर्भ के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का दिन। आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए, मैं लेट हो गया, मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं। सारा सामान इकट्ठा करते करते 6:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन अभी 7:30 हो रहा है। ये रहे जो इधर वेट कर रहे थे आधे घंटे से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चार्ज करोगे तो कितना भाई? एक चाय बहुत है। अरे भाई ठीक है, दो पिला देंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। जय श्री राम। बस अभी डोसे का स्वाद ले रही है और वो जो कोने में गा रहे हैं वो है ऋषभ। भाई दीपिका इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, बहुत अच्छा रील बना दिए। ये है आदित्य, चुपचाप खा रहे हैं खाना और हमारा ब्लॉग अधूरा रहता है इनके बिना। रेगुलर और हम लोग खा रहे हैं इडली बंदे के सिवाय, ये डोसा खाए। राइड हो चुके हैं स्टार्ट। बहुत दिनों बाद अपना हेलमेट पहन के अच्छा लग रहा है। अभी तक हम अभी दिस का ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं। लास्ट टाइम मतलब मैं जब ऐसे वीडियो बना रहा था फोन से तो बहुत ही ज्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा था, तो अभी मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। तो पहला टोल है, टू व्हीलर के लिए भी टोल होता है यहाँ पे। अब रामनगर के लिए कितना होता है पता नहीं। शिवगंगा के लिए कितना हुआ था लास्ट टाइम? 60 जाने का हुआ था, 60 आने का हुआ था। अभी रामनगर तो ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो देखते हैं कि टोल कितना होता है। ये है मैसूर रोड, हम लोग को अभी लेफ्ट जाना है। 15 मिनट में हम लोगों ने 15 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो आगे अभी कितना किलोमीटर बाकी? 35। तो अभी हम लोग यहाँ पे हाईवे के पास में रुके हैं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त पीछे रह गए। 2.5 किलोमीटर है रामनगर। हम लोग को अभी दिख रहा है कि हम लोग कहाँ पे चढ़ाई करने वाले हैं। ये रहा, टाइम से थोड़ा जल्दी आ गए हम लोग। हेलमेट उतारने का मन नहीं कर रहा था तो मैं ऐसे ही ब्लॉग करने लगा, क्योंकि फिर से हेलमेट उतारो फिर से पहनो बहुत बहुत किचकिच वाला काम है। और मैंने सुना है कि मतलब बहुत बड़ा एरिया है, अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू पॉइंट दिखता है। तो हम लोग उस तरफ से आए थे, हम लोग थोड़ा आगे चले गए, फिर हम लोग को पता चला कि तो यहाँ से जाना है अभी हम लोग को ट्रैकिंग की तरफ। तो हम लोग अभी मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से अभी पानी या फिर कुछ खरीदेंगे क्योंकि आगे ट्रक में हमको जरूरत पड़ेगी पानी की। ये है रामनगर का पार्किंग का गेट, यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ेगा। और अभी हम लोग अपने दोस्तों के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो लोग आएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाल जो है वो कम्प्लीट खराब हो गया है हेलमेट की वजह से। ये देखो,
चलो भाई सब आ गए। ट्रैक है क्या इधर? 400 स्टेप है बस। 400 स्टेप है और उसके ऊपर में और है। भाई दीपिका का ईयरफोन, दीपिका की ईयरिंग सब गुम हो गया। हेलो गाइस, मैं भी ब्लॉगर हूँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखो मैं ऐसा दिखता हूँ। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है, विजिटिंग आवर इज 9 AM to 5 PM। बाकी जो है डिटेल्स आप देख सकते हैं। टू व्हीलर के लिए 10 रुपए। गरीब जी यहाँ के थे ना बैंगलोर के, तो उन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या थी? सीता जी का इयररिंग मिला था और इनका खो गया। तो शुरू हो गया अपना ट्रैक। स्टार्ट करते ही हमको मिला एक मंदिर, और यहाँ पे क्या क्या है आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस गेट के पीछे से होती है हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट। 400 स्टेप्स सीढ़ियां हैं, थोड़ा ब्रेक चाहिए। और ये हमारे बी ग्रेड एक्टर, दिखाओ चक सकल दिखाओ। उधर से अभी चालू हुआ है, थक गया। अरे अरे भाई 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 आराम से, हवा को चीरता हुआ, सीढ़ियों को चीरता हुआ, पता चला बोल की तरह नीचे गए सारों। जितना आसान लगता है वैसा है नहीं। ये देखो हालत। अरे कूल गाय, अबे 200 हो गया, 200 हो गया, 200। हाँ इधर लिखा हुआ है ऐसे ना। चलो चलो चलो, ले प्रभु श्री राम का नाम। चलो भाई जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जब पत्थर पानी में ऊपर रह जाता है तो कुछ भी नहीं। ओ भाई 200 सीढ़ी चढ़ी है लेकिन दो ब्रेक हो गया है। ये है दूसरा मंदिर, ये मंदिर हनुमान जी का है। हाँ हनुमान जी का मंदिर है। अभी दर्शन करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे हम। इसके बाद हम लोग देखेंगे शोले का शूटिंग पॉइंट। ये रही वसंती और ये रहा गब्बर। अरे रामेश्वर स्वामी टेम्पल। तो यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ होती है समाप्त। 400 सीढ़ी जो थी हमने चढ़ ली, आगे अब रास्ता छोटा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है राम जी का मंदिर। ऐसा नहीं कि जमीन है, पूरा का पूरा पत्थर है। ऐसा लगता है देखने में कि पूरा एक ही पत्थर है। और जितने भी मूर्ति है यहाँ पे स्टोन पे स्कल्प किया गया है। तो ये जो जब राम जी सीता माँ की खोज में निकले थे, तो फिर उस टाइम में उन्होंने एक बांध चलाया था जो जाके सीधे यहाँ पर में एक पॉइंट पे लगी थी और वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि इसकी गहराई कितनी है। ये जो है देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा कुंड है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत गहरा होगा। पत्थरों के ऊपर ऐसा मतलब एक पानी का कुंड चमत्कारी बोल सकते। आसपास में मतलब ऐसे जो आप ऐसे चट्टान देख रहे हैं, सबके सब वैसे चट्टान है। ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि कहीं पे पानी हो, बस वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड जैसा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे के ट्रैक करेंगे। तो ये मंदिर के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक नीचे जाता है और एक ऊपर। तो ट्रैकिंग आपको मेन जो व्यू पॉइंट है उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे फेंसिंग की गई है लेकिन हम इसको पार करेंगे, ऑब्वियसली रूल्स आर नीड टू बी ब्रोकन। तो यहाँ से एक व्यू है इधर, यहाँ से अगर ऐसा है तो ऊपर से कैसे होगा भाई? ये पत्थर पे ऊपर हुई है शूटिंग। हाँ? मैं नहीं मानता, पता मैं क्यों नहीं मानता, क्योंकि ठाकुर के हाथ नहीं था, गिर गिर गया होगा पत्थर में ठोकर लेके। ठाकुर तो हम लोग तब से यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शोले की शूटिंग कहाँ हुई थी। शोले की शूटिंग उस पत्थर पे नहीं, इस जगह पे हुई थी। तो सारी जगह का ले रखा है। कितने ही आदमी थे? एक चाचू दास। हम लोग बेसिकली इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इस पूरे एरिया में शोले की शूटिंग हुई थी। कौन सा एग्जैक्ट पत्थर हमको नहीं पता, क्योंकि वहां पे भी हम लोग को एक पत्थर दिख रहा है, वो भी एक पत्थर है, उधर भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। तो हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी ये देख रहे हैं हम लोग नेट पे। चलो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं लेकिन ब्लॉग में सब दिखाएंगे। हर दो स्टेप के बाद हम लोग को मिल रहा है एक एक व्यू पॉइंट। तो ये तीसरा व्यू पॉइंट है। उत्तराखंड का तार्जन। हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, बोलते हैं ना इंसान बंदरों से बने हैं, आज यकीन हो गया इनको देख के। चिल्लाओ भाई। ब्लॉगिंग के चक्कर में कांड हो गया, बैग छोड़ के आ गए
उसमें वॉलेट है, पैसे हैं, तो हम लोग अभी वापस नीचे जा रहे हैं, फिर से ऊपर आना पड़ेगा। अरे वो हनुमान जी उधर ही छोड़ा था शायद मैंने, हनुमान जी वाले इतने नीचे पता नहीं यार। ये रहा, यहाँ पे पानी पिए थे, चलो वापस चलते हैं। ले लिया बैग। ए नीचे तो आराम से उतर गया, ज्यादा नहीं है। अरे कौन गब्बर बनेगा, मेरे को जानता नहीं है। ये बसंती फोटो ले रही है, इसीलिए लड़कियों को लाना चाहिए, पता है ये हम कभी सोच ही नहीं सकते ऐसा। यहाँ पे जो अभी मैडम ट्राइपॉड लगा रही है हम लोग को फोटो लेने के लिए। अभी गाने बजेंगे, गाने भाई, गाना स्पीकर में बजाना था भाई। अरे मुंह छुपा लिया तुमने तो। ये अभी मजा आएगा ना भाई, कैसा लग रहा है भाई देख के? देख के तो जाने में भी अच्छा है, बहुत मजा आया। यहाँ से चढ़ाई करना है और ऐसे करके ऊपर चढ़ना है, एकदम वहाँ पे देखिए लोग कैसे आ रहे हैं। चलो भाई आरजू फर्स्ट हम लोग के लीडर है भाई, हम कैसे कैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक सीढ़ी है भाई। भाई नीचे देखने में सच में डर लग रहा है, ये रहा व्यू और ये इधर से आ रहे हैं, वो रहे नीचे, बहुत ही खतरनाक भाई। ये तो पूरा 90 डिग्री चढ़ाई है। जो शिवागंगे हम लोग गए थे वहाँ पे भी ऐसा तो नहीं बोल सकते, इतनी खड़ी चट्टान नहीं थी, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही थी, अपने व्लॉग में देखा होगा। ये बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने सपोर्ट के लिए ये सब बनाया है ताकि इसको पकड़ पकड़ के हम लोग ऊपर जा सके, लेकिन बहुत डरावना है भाई, ये खतरनाक है, ऐसी चट्टान पे चढ़ाई कर नीचे, बहुत खतरनाक लग रहा है भाई वीडियो में। वो देखो भाई तो सच में सुपरमैन लग रहा है, अभी पहुंचने वाले हैं, अभी जस्ट 2 more steps 1 2। ये देखिए भाई, भाई पैराशूट दिलवा लो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा काम किया तुम, बहुत शाबाश। अरे तुम तो भाई बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एकदम टॉप पे, जो इस ट्रेकिंग का मोटिव था वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ये पूरा जो एरिया है देखिए आप, बहुत ही बड़ा पत्थर है, ये एक ही पत्थर है, बहुत ही बड़ा है और अलग अलग जगह से। और मजे की बात क्या है पता है, यहाँ पे पानी है और हर जगह से हर 4 डायरेक्शन से अलग अलग व्यू मिलेंगे आपको। तो जो अभी पहला व्यू है वो ऐसा है, हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं टॉप पे, काफी बड़ा एरिया है। आप यहाँ पे आने के बाद हर जगह पे ऐसे कैक्टस के प्लांट है, तो जब आप यहाँ पे मतलब चलना होगा वो ध्यान से चलिएगा। हम लोग दूसरी तरफ आए हैं, ये चट्टान तो आपने बहुत मतलब वीडियो में देख ही रहे थे आते वक्त। तो ये रहा रामानगर का कंप्लीट व्यू पॉइंट, अभी हम लोग नीचे उतरने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक। इसको मैं अभी वीडियो करते हुए तो बिल्कुल नहीं उतर सकता। वो ऊपर से अभी नीचे आ चुका हूँ मैं, तो यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे, उसके बाद दूसरे लोकेशन पे जाना है। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही एकदम परफेक्ट। 12 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, अभी परफेक्ट 12 बजे है। यहाँ से हम लोग को नीचे उतरने में करीब 15 to 20 minutes लगेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने दूसरे लोकेशन पे। कैसा लगा सफर? बहुत मजा आया। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे, बढ़िया भाई। तू चिकन खाएगा? हाँ भाई ऑब्वियसली। तो ये है वेज कैटेगरी के लोग और यहाँ पे नॉन वेज कैटेगरी के लोग, न्यूट्रल। इधर से भी खाऊंगा, इधर से भी खाऊंगा। अबे साले, हमारा अगला लोकेशन था पिरामिड वैली। पिरामिड वैली बैंगलोर से 40 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है और इस जगह को स्पेशली मेडिटेशन प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इस जगह को इसीलिए पिरामिड वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 100 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया गया है जो की एक मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, अगर आपको पार्टिसिपेट भी करना होगा तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और उनका हिस्सा बन सकते हैं। सो ये है एंट्री ऑफ पिरामिड वैली। तो यहाँ पे बस पार्किंग का 20 रुपीस है। हमें लगा था कि ये जगह थोड़ी बहुत खाली होगी लेकिन यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं। और ये रहा इस जगह का मैप। मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओ। भाई मैं इजिप्ट जाने का सोच रहा था, यहीं देख लिया पिरामिड। बस ये देखिए सामने गोरिल्ला और वो छोटी सी उसकी मालिक बच्ची, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए घुमाते हुए बच्ची को। हाँ हम सोचे थे कि वापस हम लोग चढ़ाई नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, लेकिन हमको वही करना पड़ रहा है इतने भारी पेट के साथ। हाँ तो हम लोग पिरामिड ढूंढते ढूंढते आए लेकिन पिरामिड उधर क्रॉस हो गया। मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखें जेसीबी की खुदाई, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी की खुदाई हम लोग अब यहाँ पे बैठ के देखेंगे। यहाँ पे सब ने ले लिया है यू टर्न और वो जो आप देख रहे हो ऊपर वही है पिरामिड। ये कहाँ जा रही है तुम? वो
हेलो, यहाँ पे एक छोटा सा झूला जैसा कुछ था, हम लोग उधर चल रहे थे, उधर से इधर तक चढ़ के आया, सोचा था कि थोड़ा देर आराम करूंगा, लेकिन उधर से एक भाई साहब आए और बोले कि नॉट अलाउड, क्योंकि हम लोग थोड़ा और अंदर आगे देखने के लिए कि आगे क्या क्या है। तो ये थोड़ी सी गार्डनिंग कर रखी है और मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिस वजह से ये बोला जाता है कि ये पिरामिड वैली है, वो रहा। भाई थक गए पूरे, ओ भाई उठो, हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये रहा पिरामिड, अभी इसके अंदर जाएंगे, लेकिन फोन अलाउड नहीं है, फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा हमको। तो इसके अंदर जो भी है शायद म्यूजियम होगा कुछ। तो बेसिकली ये मतलब एक मेडिटेशन सेंटर है, इसके अंदर मतलब बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, जहाँ पे आप लोग को अगर अंदर गए तो 30 मिनट आपको बैठना पड़ता है। यहाँ पे बाहर बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप लोग आराम कर सकते हो। पिरामिड के उस तरफ है जो मतलब छोटे छोटे सामान हो गया, टॉयज हो गया, बुक्स हो गया, सारी चीज थी। और मेरे जो सारे दोस्त हैं वहाँ पे आराम कर रहे हैं। आज का दिन कैसा था तुम्हारा? बहुत बढ़िया था। जो स्टार्टिंग था निकलने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि कैसे चढ़ेंगे करके, बट एक बार रामनगर पहुंचने के बाद में जैसे ही राम बोलते थे एकदम धन 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 हम लोग चढ़ते चले गए। एंड उसके बाद में जो ये पिरामिड वैली आना था, तो उसका जो बीच का रास्ता था वो बहुत ज्यादा ही प्यारा था। तो ये रहा हम लोग का आज का पूरा ट्रिप, अभी हम जाएंगे बैंगलोर घर। आज का दिन कंप्लीट हो चुका है, कल से फिर से क्लासेस जाने हैं। तो अगर आपको ये एंटायर वीडियो अच्छा लगा हो, देन गिव अ बिग थम्स अप, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।